close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna. से दूर इस वीरान से जगह में मैं अभी आया हूँ। ये सब सारी जो कलाकृतियाँ देख रहे हो आप, ये एक अवशेष है जो 10वीं और 12वीं शताब्दी के बीच बनाई गई थी और ये अभी अधूरी पड़ी हुई है। दोस्तों, आपको देखकर तो डर लग ही रहा होगा, साथ ही साथ मुझे भी डर लग रहा था। भले ये दिन था, फिर भी मैं इतना डरा। सोचो, रात में अगर मैं यहाँ पे स्टे करता तो क्या हाल होता मेरा। बहुत सारे ऐसे लोगों का कहना है कि ये जो मंदिर बनाया गया है, ये भूत लोग ने खड़ा किया है, वो भी एक ही रात में। नजरें हटाइएगा नहीं दोस्तों, क्योंकि मैं अभी बहुत सारे राज खोलने वाला हूँ कि आखिर ये मंदिर है क्या, किस जगह स्थित है और इसकी खास बात क्या है, और सारे लोग क्यों कहते हैं कि ये भूत लोगों ने मिलकर के बनाया है, वो भी एक रात में। आखिर सच बात क्या है, मैं इसका पर्दाफाश करूंगा। अब वीडियो को जरूर पूरा देखें। मंदिर के चारों तरफ सारे पत्थर में हर तरह के डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मुझे मिल रहा है, और वो भी काफ़ी खूबसूरत। बट ऐसा है कि कहीं कहीं जो डिज़ाइन इस तरह से बनाया गया है कि वो देखने में बहुत अद्भुत और डरावनी भी लग रही है। आखिर बात क्या है, इतने सारे पत्थर आखिर यहाँ पड़े हुए क्यों हैं, कोई देखने वाला क्यों नहीं है, और इन पत्थरों का आप कलाकृतियों को भला देखो, बहुत पुरानी प्रतीत होती है। दोस्तों, मैं बता दूं कि इस मंदिर का नाम है ककन मठ, जो कि मध्य प्रदेश के मुरैना ज़िले में स्थित है और सिहोनिया विलेज में ये पड़ता है। मुरैना ज़िले से आपको करीबन 35 किलोमीटर की यात्रा करनी पड़ेगी इस मंदिर के पास पहुंचने के लिए। तो दोस्तों, मैंने बहुत सारे लोगों से पूछताछ की और अधिकतर लोगों का यही कहना है कि भूतों ने इस मंदिर को बनाया। बट कहीं कहीं किसी इलाके में इनकी सच्चाई के बारे में मैंने पता की तो पता चला कि कच्छप घात शासक
जो कि 10वीं-12वीं शताब्दी में हुआ करता था, उसके कीर्ति राज ने इसका निर्माण करवाया है। इनकी रानी ककनावती के कहने पर यह मंदिर बनाया गया है। वो शिव जी के बहुत बड़े भक्त थे और ये जो मंदिर है शिव जी का मंदिर है। आइए दर्शन करते हैं। ककन मठ मंदिर का देख रेख भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI कर रही है। अफसरों को भी काफी डर है कि अगर इस मंदिर को छेड़ा गया तो वह गिर सकती है। आखिर क्यों गिर सकती है दोस्तों? इसका एक बेहद खास रीजन है। इस मंदिर में कहीं भी चूने और गाड़े का प्रयोग नहीं किया गया है और खास बात यह भी है कि इस पत्थर का साइज करीबन 10 से 20 फीट तक है और इतनी भारी भारी पत्थर एक के ऊपर एक रखा गया है। सो भैया, अफसर वाले लोग कैसे आएंगे और इसका संरक्षण कैसे करेंगे? अगर एक पत्थर गिरी तो सारी मंदिर की स्ट्रक्चर नीचे दब जाएगी। और मैं अभी भी आश्चर्यचकित हूँ कि इतने सारे आपदा आने के बाद भी आखिर ये मंदिर जस की तस है। अगर आपको मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप देख सकते हो, ये पत्थरों के बीच में मैं क्लोज करके आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, कहीं आपको चूना और गाड़ी का प्रयोग नहीं दिखेगा। सारे एक के ऊपर एक पत्थर रखे हुए हैं और यही इस मंदिर की शोभा बढ़ाती है। दोस्तों आप यहाँ पे आओ और आपको बहुत अच्छे नज़ारे मिलेंगे, बहुत अच्छे कलाकृतियाँ मिलेंगी और यहाँ पे आपको अद्भुत सा एहसास भी मिलेगा। दोस्तों ये शिव जी का मंदिर है और काफ़ी पुराना मंदिर है। कनक मठ मंदिर का भ्रमण करने के बाद मैं अब चला राजस्थान की ओर और आप देख सकते हो कुछ इस प्रकार मैं सोता हूँ। दोस्तों इस बंजारे का ज़िंदगी जीने में काफ़ी मज़ा आ रहा है और भगवान जी भी साथ है मेरे और ये भैरव बाबा मेरा डॉगी पेट रैगनार भी मेरा साथ देता है। पुजारी जी ने देख करके मुझे खाना भी दिया, काफ़ी स्वादिष्ट खाना था। दोस्तों अगर मेरा भ्रमण को जारी रखना चाहते हैं तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और बेल बटन दबाना ना भूलें। शेयर जरूर करें दोस्तों, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।